YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ इस साइट पे काम करने के लिए। देखिए पूरा खाली है, तो ये साइट मुझे मिला है काम करने के लिए। और इसमें ना 6 AC है, 6 AC का मुझे सर्विस करना है। बाकी जो भी प्रॉब्लम रहेगा सबको सॉल्व करना है। तो देखिए एक AC यहाँ पे है इसका आउटडोर। और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा यार, और भी वीडियो लाऊंगा मैं आप सभी के लिए। इसके अलावा कई सारा सवाल होता है आप सभी का कि ये कैसे हो गया, वो कैसे, क्वेश्चन उठा देते हो मेरे ऊपर, तो मैं उसके ऊपर भी कभी क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ का लोकेशन मैं दिखाऊंगा आप सभी को। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, तो बैक से मैं आप सभी को पूरा बिल्डिंग दिखाऊंगा। अब पूरी AC की सर्विस मुझे करनी है। देखिए इसका इंडोर ये रहा, एक इंडोर ये रहा, एक इसके अलावा इस वाले रूम में दे यार, इसके अलावा इस वाले में है। ये देखिए ये लगा AC है। इसके अलावा इसका आउटडोर इधर है, इसका आउटडोर देखिए ना, आउटडोर इसका इधर है। इधर से नहीं दिखाऊंगा, दूसरे साइड से दिखाता हूँ यार। इसका आउटडोर, एक इंडोर तो ये रहा, दिखाता हूँ सभी को। देखिए ये रहा, ये इंडोर इसकी सर्विस करनी है। इसके अलावा ये आउटडोर इसका, देखिए यहाँ पे 2 आउटडोर, एक नीचे में, एक ऊपर में। और ये जो एक AC का जो आउटडोर था ये रहा, ठीक है। बाकी यहाँ का पूरा लोकेशन देखो यार, पूरा देखो, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। बैक से भी दिखाऊंगा आप सभी को, उससे पहले तो सारी AC दिखाता हूँ। कितना AC देख लियो आपको, 2-3 AC देख लियो, ये 4th AC है यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। इसका आउटडोर वहीं पे, 3 आउटडोर था ना, उसी आउटडोर के साथ। और इधर से बहुत सारी बिल्डिंग देख ली। इसके अलावा 2 और AC है, वो भी दिखा देता हूँ सभी को। और यार कोई सवाल हो तो कमेंट मार के बताइएगा, वहाँ पे मैं आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा। एक मिनट देखिए, यही ये रहा, ठीक है। इसका आउटडोर इधर है, ये देखें, यह आउटडोर है दोनों इसका। और कितना यार लोकेशन देखो, कितना ब्यूटीफुल है। तो इधर का लोकेशन काफ़ी ख़तरनाक है यार। इसके अलावा एक और आउटडोर है, देखिए यहाँ, ये देखिए ये इसका भी आउटडोर उसी के साथ था। 2 आउटडोर था ना वहाँ पे, दोनों के आउटडोर एक साथ था। अब मैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ना 6 रिमोट है, और पूरा यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये AC तो इधर दिख रहा है, बाकी और AC अंदर है रूम सब में। और यहाँ पे मैं सारी AC का मैं सर्विस करूँगा, एक में गैस भी डालना है। तो देखिए यहाँ पे 6 रिमोट है, और इन 6 में बैटरी नहीं है, समझ गए। दिखा देता हूँ आप सभी को खोल खोल के। देखिए ये भी खाली है, ये वाला भी खाली है, दिखाता हूँ। तो देखें ये वाला भी खाली है, ये भी ऑलरेडी खाली है, ये भी खाली है, और ये भी खाली है। तो मैं यार, तो पहली बात तो मैं सारे AC को ना मैं रीसेट बटन से AC को ऑन करूँगा, रिमोट से नहीं। पता ना कौन सा रिमोट चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, बट इसमें ना सारा AC का रिमोट चलेगा, एक ही रिमोट से सब AC चलता है। देखिए एक AC को तो मैं सर्विस कर दियो, यहाँ पे पूरा सेटअप लगाया हूँ। और यहाँ से इसका नज़ारा देखो दोस्तों, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों ये आउटडोर है, इनकी भी सर्विस करनी है, ऊपर भी नीचे में। इधर का इलाका देखो, बहुत लंबा लंबा बिल्डिंग्स है भाई। तो देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे, नीचे खेल वगैरह का भी बना हुआ है। तो अब इसकी सर्विस करना है मुझे, तो आउटडोर का अच्छी तरीके से सर्विस कर लेंगे दोस्तों। और मैं जो रिमोट की बात कर रहा था ना, तो मैं एक ही रिमोट से ना पूरा AC को ऑन करूँगा, ऑफ करूँगा, या फिर दूसरा हार्ड रिसेट बटन से उसका यूज करूँगा। क्यों? क्योंकि यार रिमोट से तो फल का पता कोई वाला AC वर्क ना करे, इसलिए मैं पहले तो मैं सबको AC रिसेट बटन से ही ऑन करूँगा, जो कि PCB में होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा कि रिमोट से चालू करूँगा सारी AC की सर्विस करने के बाद। तो उससे पहले तो इसका आउटडोर वगैरह मैं धो लेता हूँ अच्छी तरीके से। और बहुत ही मस्त जगह पे ये लोकेशन पे ये AC लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे काफ़ी लंबी लंबी बिल्डिंग्स हैं, और यहाँ पे आउटडोर भी दिख रहा है, खूबसूरत लग रहा है पूरा ये, है ना। तो देखिए हवा भी बहुत तगड़ा चल रहा है यहाँ पे, तो हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे आउटडोर की सर्विस करनी है, तो अच्छी तरीके से इसकी सर्विस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा गंदा है, क्योंकि ये आउटडोर
बाहर रखा हुआ है ना, और आउटडोर तो एक तो धूल भी खींचता है कंडेंसर में, क्योंकि कंडेंसर का हीट ही निकलता है पंखा। तो इसकी सर्विस कर लेते हैं पहले सही से। तो देखिए दोस्तों, सर्विस कर रहा हूँ इसकी अच्छी तरीके से, और ये देखिए आउटडोर है दोनों। तो आप लोगों को तो आउटडोर पता ही होगा कि आउटडोर में सिर्फ क्या होता है, कंडेंसर होता है, कैपेसिटर होता है, कंप्रेसर होता है, वायरिंग होता है, और क्या होता है, और कुछ भी नहीं होता, बस यही होता है। इन्वर्टर एसी में तो फिर पीसीबी भी होता है बस। तो इन्वर्टर एसी में सिर्फ पीसीबी होता है, और एक और होता है वो क्या बोलते हैं, या ट्रांसफार्मर बोलते हैं कि क्या, वो होता है। तो लगभग इसकी मैं सर्विस कर लिया हूँ दोस्तों, पर इसमें ना काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी भरा हुआ था अंदर में, और ये काफ़ी बेस्ट लोकेशन है, दिख रहा है आप लोगों को, देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों एसी एक साथ रखा हुआ है, एक जगह पे और है, दोनों एसी का आउटडोर एक ही जगह पर रखा हुआ है। तो चार एसी का जो आउटडोर एक ही जगह पे, दो यहाँ पे, दो एक और जगह पे रखा हुआ है। तो अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ढक्कन वगैरह नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि यार उस साइड ना ये लोहे पर रखा हुआ है, तो ढक्कन खोलूँगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से क्लीनिंग कर दूंगा मैं, जेट पंप से सर्विस कर रहा हूँ। और आपकी तरफ सर्विस का कितना रुपये लगता है कमेंट मार के बताइएगा, मेरी तरफ का भी मैं प्राइज बताने वाला हूँ। तो जो मेरी तरफ जो सर्विस का प्राइज लगता है ना, यानी कितना रुपये लेते हैं हम लोग, मैं तो यार स्प्लिट एसी का पर्सनल लेता हूँ 400 रुपये, और जो अर्बन कंपनी से होता है ना वो 599 रुपये का पहले था, अभी तो शायद 500 रुपये का रेट चल रहा है स्प्लिट एसी सर्विस का। विंडो एसी का तो मैं 300 रुपये, मैं विंडो का भी 400 ही लेता हूँ, अर्बन कंपनी 399 लेता है अभी। तो आप लोग अपनी तरफ का बताइए कमेंट मार करके, कितना रुपये आप लोग लेते हो, समझ गए। तो इसका कवर वगैरह है, कवर भी ज़्यादा गंदा नहीं है, तो मैं ऐसे ही धो लूँगा इसको साबुन वगैरह क्या बोलते हैं, या सरफ पानी उनी नहीं मारूँगा। तो ये लगभग धुल चुका है दोस्तों। अब इसको अलावा दोस्तों यहाँ पे चलिए इंडोर के पास, तो इंडोर का कवर उतार लेते हैं, जो कवर लगा करके मैं सर्विस कर रहा था यहाँ पे। और इसके अलावा आप लोगों के पास काम आ रहा है कि नहीं, क्योंकि अब तो कुछ कुछ गर्मी आ गया है, तो काम उम तो आना चाहिए। तो इसको मैं बंद कर रहा हूँ यहाँ से, हवा बहुत तगड़ा चल रहा है भाई, कहीं सीढ़ी को गिरा उड़ा ना दे इसका जो तेज़ हवा है, तो इसलिए बंद किया हूँ शीशा को। पूरा अपार्टमेंट है ये खाली, अभी कोई कस्टमर वगैरह आएगा यहाँ पे रेंट पे लगाएगा ना, ये जिनका मालिक है ना इनका, वो रेंट पे लगाएगा यानी किराए पे लगाएगा इसको, तो सर्विस करवा करके वो किराएदार को देगा। तो देखें यहाँ पे इसकी मैं कवर उतार दिया हूँ, इंडोर को भी जेट पंप से सर्विस कर दिया हूँ। और सबसे अच्छा जेट पंप, कोई कमेंट में मार रहे थे कि भैया सबसे अच्छा जेट पंप कौन सा होता है बता दो, मैं कार्चर कंपनी का यूज करता हूँ इसलिए, क्योंकि इसका जो वेट होता है यानी वजन होता है ना कार्चर का, वो काफ़ी कम होता है। तो देखिए इसकी भी सर्विस कर दिया है मैंने, यहाँ से लोकेशन देखो कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्डिंग सब कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ से देखिए पूरा बिल्डिंग सेम वही है। तो ये मैं दूसरी जगह पर आया हूँ दोस्तों, और यहाँ पर देखिए इस कवर को पहले तो मैं सर्विस कर लेता हूँ सही तरीके से, समझ गए। सर्विस करने के बाद दोस्तों इस सारे को मैं फिट कर दूंगा। और इसके अलावा यार इधर का भी बिल्डिंग देखो, पूरा ही लंबी लंबी यार, नोएडा में भी बहुत लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, समझ गए। सपनों का शहर भले ही मुंबई है, लेकिन नोएडा भी किसी से कम थोड़ी है भाई, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप सामने में देख भी सकते हो, बट मुंबई के पास समुंदर है भाई, मुंबई के पास है अंबानी शाहरुख खान, बड़े बड़े लोग वहाँ रहते हैं। और यहाँ पे एक दूसरा साइड है दोस्तों, यहाँ पे नेचर भी काफ़ी अच्छा है, पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। नोएडा का रोड ना बहुत ही अच्छा रहता है, पता है चौड़ी चौड़ी रोड है, ऊपर से भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं होता है, ट्रैफिक भी कम होता है। अगर आप दिल्ली में जाओगे ना तो पता है क्या होगा, साला फंस जाओगे तुम ट्रैफिक में, जब तक कस्टमर के साइड जाओ ना कितनी जब फंस जाओ। उसके अलावा ट्रैफिक पुलिस भी होती है ना दिल्ली की, वो यार प्लानिंग बना करके बंदे को पकड़ दी मालूम है साला, वो प्रॉब्लम कहीं पड़ेगा खड़ा कहीं और पड़ेगा, वहाँ पर पकड़ लेगा आप लोगों को। तो कवर धो दिया हूँ, इसका फिल्टर धोऊंगा, दो कवर धोया हूँ देखिए यहाँ पे आप लोग, फिल्टर टोटल चार। तो दो एसीयू का मैं सर्विस एक साथ कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो चार पांच पांच एसीयू का सर्विस कर दिया हूँ, एक बाकी अभी दिखाऊंगा आप सभी को। उसमें आवाज़ का प्रॉब्लम है, पता है आवाज़ का प्रॉब्लम है, तो उस आवाज़ को हम सॉल्व करेंगे, समझ गए। तो इसका आउटडोर मैं सर्विस कर चुका हूँ, लेकिन मैं और भी कर दूंगा इसको, पहले तो मैं इसका फिल्टर वगैरह धो देता हूँ, क्योंकि ये सूख जाएगा ना अभी धूप है,
पानी वानी के साथ चला जाएगा कवर में, तो फिर पीसीबी में पानी जा सकता है। इसीलिए दोस्तों मैं इसको इसी तरह से मैं पहले तो इसको कवर को धो दूंगा। और इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को कोई सवाल वगैरह कमेंट मार के बताइएगा, बाकी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। भाई एक बात बताऊँ यार, अर्थ क्यों आएगा ना तो बहुत डर लगेगा इस समय जो भी लोग रहेगा, है ना। तो मैं कार्चर का जेट पंप यूज करता हूँ, मैं बता दिया हूँ इसलिए क्योंकि इसमें वेट कम होता है, वजन कम होता है। बाकी एक होता है ना बॉश कंपनी का, ठीक है, उसमें सारा बहुत भारी होता है वो जेट पंप, तो मैं वो तो ख़रीदना ही नहीं चाहता हूँ। ये लगभग आता है 6,600 रुपये का आता है, ठीक है, तो आप लोग ख़रीद सकते हो, तो आप लोग इसको ख़रीद सकते हो कौन सा कार्चर कंपनी का। और ये बात है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है कार्चर वाले में भी, क्योंकि हर साल मैं एक ख़रीदा हूँ, दो साल में एक बार ख़रीदा हूँ, बाकी एक साल से इस वाले को नया वाले को यूज कर रहा हूँ। यानी दो कार्चर का मैंने जेट पंप ख़रीद लिया। तो अभी दोस्तों ये आउटडोर को धो देते हैं। ये आउटडोर भी को मैं कवर वगैरह नहीं खोलूँगा, देखिए यहाँ पर मतलब जगह नहीं है यहाँ पर खोलने खालने का। उस पर से दोस्तों ये लोहे का वो बना हुआ है ना, लोहे का क्या बोलते हैं स्टैंड बना हुआ, उसी के ऊपर रखा हुआ है ये आउटडोर दोनों। तो इसको भी बढ़िया तरीके से हम सर्विस कर लेंगे। उसके बाद एक और एसी है दोस्तों, वो क्या बोलते हैं उसमें आवाज़ आ रहा है, तो आवाज़ वगैरह को भी सही करना है मुझे। तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी कोई सवाल हो तो कमेंट मार के बताइएगा, मैं वहाँ पर आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं कवर वगैरह हर चीज़ धो लिया हूँ, इसका इंडोर भी सर्विस कर दिया हूँ, समझ गए। तो सिर्फ आउटडोर रह गया था और कवर रह गया था, तो आउटडोर भी धो रहा हूँ अभी, कवर भी धो दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों आउटडोर भी धो दिया हूँ मैं अब, और आउटडोर को धोने के बाद दोस्तों थोड़ा मोड़ा और कहीं कहीं भी गंदा है उसको भी धो देता हूँ, क्या कि उस साइड में ना थोड़ा जेट पंप जाना मुश्किल है। देखिए जगह ही नहीं है, मैं लटकूंगा भी नहीं ज़्यादा, बहुत बड़ा बिल्डिंग है ये, बहुत ऊंचाई भी, मैं 16 फ्लोर पे हूँ, कोई गिरे उड़ेगा तो साला बचेगा भी नहीं इतना ऊपर से। तो इसलिए मैं थोड़ा पीछे आगे साइड में नहीं मारा हूँ, गन यहीं से पहुँचाने की कोशिश किया हूँ मैं। तो इसकी सर्विस कर दिया हूँ, आउटडोर का कवर वगैरह हर चीज़ धो लिया हूँ दोस्तों। अब चलिए इंडोर दिखाते हैं दोस्तों, देखिए इंडोर के पास आया हूँ इधर, और इंडोर की भी मैंने सर्विस कर दिया है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो उसका कवर वगैरह लगा निकाल करके हम जो ग्रिल कवर है इंडोर का वो लगा देंगे। उससे पहले तो दोस्तों ये सब हटा देते हैं यहाँ से। तो देखिए कवर निकाल रहे हैं, इसकी भी सर्विस कर दिया हूँ मैं बढ़िया तरीके से साफ़ करके। एक में गैस लीकेज था तो गैस भी डाला हूँ, तो मैं गैस वाला वीडियो नहीं इंक्लूड किया हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, सिर्फ सर्विस किया हूँ। और काफ़ी अच्छी जगह पे ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा नचाड़ा ऐसा बिल्डिंग्स बहुत कम दिखता, और ऐसा रूम खाली भी, ठीक है रूम खाली रहता है ना तो बहुत जल्दी जल्दी हम लोग काम कर लेते हैं ना। और क्या बोलते हैं कि यहाँ से दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा वाइड एंगल है कैमरा का बहुत ज़्यादा एरिया कैप्चर करता है वाइड एंगल में। तो इसको भी सर्विस कर दिया है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों एक बार इधर सब कुछ कंप्लीट सर्विस कर दिया हूँ, अब पूरा इधर का बिल्डिंग वगैरह सब कुछ दिखा देता हूँ सभी को। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वाइड एंगल का यूज कर रहा हूँ, अगर नॉर्मल कैमरा यूज करूँगा तो क्या होगा कि और ज़्यादा लंबी बिल्डिंग दिखेगा यहाँ पर। तो इसकी सर्विस वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया हूँ। इसके अलावा दोस्तों इधर एक और एसी है, दिखाता हूँ सभी को, तो उसकी भी मैंने सर्विस करनी है। तो देखिए इसकी भी मैंने सर्विस कंप्लीट कर दिया है दोस्तों, देखिए यहाँ से। तो अब इसका कवर वगैरह हर चीज़ लगाना है, तो कवर ले जाते हैं, अब इसमें कवर फिट कर देंगे दोस्तों, क्योंकि सर्विस तो कर दिया है मैंने, तीसरा इंडोर ही है। तो इसमें चलिए कवर वगैरह सब कुछ लगा लेंगे अब, क्योंकि सर्विस तो आउटडोर इंडोर दोनों का ही मैंने कर दिया। यहाँ से बिल्डिंग वगैरह हर चीज़ देख लें, और देखिए ये कवर मैं खोला हूँ, इसी एसी में आवाज़ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखें इसका जो आउटडोर का ढक्कन मैं खोला हूँ तो थोड़ा वाइब्रेशन के कारण आवाज़ आ रहा था। एसी तो बिल्कुल नया है, ये डाइकिन कंपनी का, सारा एसी डाइकिन का है,
समझ गए ना। तो डाइकिन कंपनी का सारा एसी है, इसके अलावा दोस्तों इसकी सर्विस करना है। आवाज़ को तो हमें सॉल्व कर दिया है, तो चलिए अब इसकी सर्विस कर लेते हैं। ढक्कन वक्कन ना हर चीज़ लगा लेंगे इसमें। तो देखें यहाँ से सब कुछ जेट पंप फिट है। तो इंडोर तो इसका सर्विस कर दिया हूँ, अब आउटडोर इसका मैं सर्विस कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो सारी उसी का मैंने सर्विस कंप्लीट कर दिया दोस्तों, और एक में गैस भी डाला है, और मैंने सर्विस का पैसा भी बताया हूँ कि कितने रुपये लेता है। तो आप लोग कमेंट मार के बताइएगा कि कितने रुपये आप लोग पैसे लेते हो सर्विस का। ठीक है, और गैस चार्जिंग का भी बताइएगा कि आप लोग गैस चार्जिंग का कितना रुपये चार्ज करते हो। बाकी कोई सवाल वगैरह तो कमेंट मार के बताइएगा, और किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो कमेंट मार के भी बताइएगा। किसी ने मुझे वायरिंग पे बोला था वीडियो बनाने के लिए विंडो एसी का, तो मैं किसी दिन बना दूंगा, लेकिन वो बनाऊंगा मैं पेपर पे, क्योंकि प्रैक्टिकली तो दोस्तों उसका फोल्ड मिलेगा ना वैसा, तभी तो मैं बनाऊंगा वैसा फोल्ड मिलेगा साइड पे तो बना दूंगा, नहीं तो मैं कलम पेज पे ही बताऊंगा आप सभी को। ठीक है, तो पूरी सर्विस कर दिया, अब इसका कवर वगैरह हर चीज़ में लगा दूंगा दोस्तों। देखें यहाँ पे इंडोर भी सर्विस कर दिया, तो देखिए दोस्तों सब कुछ रेडी कर दिया हूँ, यहाँ पे इंडोर का कवर वगैरह हर चीज़ लगा दिया हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों, और इधर का नज़ारा भी बहुत काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो मिलते हैं एक और वीडियो में आप। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का, एंड बाय।